वाराणसी में मंडली साग भाजी पुष्प प्रदर्शनी में दूसरे दिन पहुंचे नगर आयुक्त गौरांग राठी वहां पहुंचकर किसानों द्वारा उत्पादित की गई फल सब्जियों को देखा और उसके संबंधित पौधों के बारे में जाना। इसके अलावा वो फूल प्रदर्शनी में भी गए, फूल प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया और विभिन्न तरह के फूल देखकर काफ़ी प्रसन्नता जाहिर की और साथ ही उद्यान विभाग से भी इस संबंध में उनके अधिकारियों से बात की। और वाराणसी में स्मार्ट सिटी के तहत बनाए जा रहे पार्कों में इस तरह के रंग बिरंगे फूलों को लगाने के लिए उनसे भी सहयोग के लिए कहा। और उसके बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हम स्मार्ट सिटी के तहत बनने वाले पार्कों के सौंदर्यीकरण के लिए भी लगातार उद्यान विभाग के साथ मिलकर काम करेंगे। देखिए उद्यान और उद्यान इन जनरल और इसके साथ एसोसिएटेड जो सारा हमारा वनस्पति है उसका हम सभी जानते हैं कि जल संरक्षण में भी और पर्यावरण संरक्षण में दोनों में कितना महत्वपूर्ण योगदान है। और वाराणसी स्मार्ट सिटी के आयाम से देखें नगर निगम की तरफ से तो हम लोग इस पर एक विशेष पहल भी कर रहे हैं कि सभी पार्क जो हमारे विकसित अविकसित या अर्धविकसित हैं उनमें हम रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की मदद से ये ऑलरेडी जनवरी में विज्ञप्ति एक निकाली थी उनके सहयोग से उन पार्कों को दोबारा सहेजने की पहल हम लोग कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ स्पेशल पार्क ऑलरेडी 9 पार्क हम विकसित कर चुके हैं स्मार्ट सिटी में, इन पार्कों को हम विशेष सौंदर्यीकरण उसमें खेलने कूदने की व्यवस्थाएँ तो इस प्रकार से पार्कों को और साइड में जो हमारा जितना भी प्लांटेशन है उसको वापस वो मूर्त रूप लेने की कोशिश है जो कि हमारी न केवल जल संरक्षण में मदद करेगी बल्कि ओवरऑल पर्यावरण संरक्षण में मदद करेगी। तो आज ये जो प्रदर्शनी है इसे न केवल वाराणसी का जनमानस इकट्ठा होता है बल्कि एक जितने भी एसोसिएटेड विभाग हैं चाहे वो नगर निगम हो या फिर हमारा उद्यान विभाग इन इटसेल्फ हो तो इसमें साथ में काम करने का काफ़ी स्कोप है। और अभी वही बात हमारी DHO साहब और DD साहब से हो रही थी कैसे इस पहल को आगे ले जाया जा सकता है। मॉल में और अन्य जो प्रतिष्ठान है प्राइवेट उनमें भी इस तरह की जागरूकता लाने की भी कुछ ढेर पौधे लगाए ताकि अब जो पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है उसमें थोड़ी कमी आ रही है उसको लेकर भी क्या पहल की जाएगी। जी बिल्कुल, देखिए हम लोग वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे भी मनाते हैं वो भी जल्दी आने वाला है और इसके अलावा हमारा जल संरक्षण का जो दिवस है वो भी जल्दी आएगा। तो जैसे जैसे हम गर्मियों की तरफ बढ़ेंगे तो उससे पहले हम लोगों की प्लानिंग हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे जिससे कि बरसात में और गर्मियों में जब पल्लवित होते हैं जो हमारा जितना भी वेजिटेशन है तो उसको हम लोग प्रॉपर प्लानिंग पहले कर लें जिससे कि उस समय हम लोग इसका बेस्ट यूटिलाइज कर सकें।